हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस व्लॉग। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि व्लॉग तो काफी दिनों बाद आ रहा है। और ये व्लॉग है मेरे बर्थडे का, तो अभी बर्थडे आने में तो 4 से 5 दिन है, लेकिन काफी सारी चीजें हमें करनी है क्योंकि भाई बर्थडे तो वंस इन अ ईयर आता है, तो उतना टाइम है नहीं और चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में और ये 3 से 4 दिन ये कंटिन्यू रहेगा। डिफरेंट एक्टिविटीज जो भी करेंगे वो इस व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। ये मेरा पहला ऐसा बर्थडे है जिसमें हम खुद से खुद को गिफ्ट देने की सोचे। तो यहाँ हम आए थे थोड़ी सी ज्वेलरी देखने और फाइनली हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद फिर पसंद आया एक टप्स, और जो काफ़ी हमें अच्छा लगा क्योंकि सुंदर सा है, सोबर सा है, छोटा सा है और बस यही ऐसे ही हमें पसंद है, ज़्यादा बड़ा आई डोंट लाइक। तो इसके बाद फिर हम इसे लिए और ये रहा मेरा बर्थडे गिफ्ट दैट आई गिफ्टेड टू माई सेल्फ। फिर उसके बाद हम लोग आए क्योंकि प्यास बहुत तेज लगी थी, तो यहाँ पे कोल्ड कॉफी पी। 20th, आज 20 अप्रैल है और अभी मेरा भैया लाया है बर्थडे केक मेरे लिए इतने दिन पहले से। ले, हवा के कारण तो ये जल भी नहीं रही है कैंडल। वेरी फनी। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे। वेलकम टू अनदर डे। तो आज हम जा रहे हैं अयोध्या भगवान श्री राम का दर्शन करने। अयोध्या जय श्री राम। अयोध्या में जब से श्री राम मंदिर बना है तब से बिल्कुल ये अलग सा हो गया है और इतना सुंदर बन गया है कि हमें नहीं लगता कि हमारी यूपी में इससे सुंदर जगह कोई और है। पहले बनारस था, वृंदावन भी है, बट ये सबसे सुंदर हो गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे दी है और हर जगह साफ सफाई बहुत अच्छी रहती है। ये है हनुमान जी, तो सारे बोलो जय श्री हनुमान। आजकल अयोध्या में भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मीन्स जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तब तो बहुत थी, यहाँ पे इस टाइम अपनी 4-व्हीलर से बिल्कुल भी आने लायक नहीं है। और सबसे अच्छा है कि बाई बस आओ और फिर यहाँ लोकल ऑटो ई रिक्शा लो। वैसे तो हर जगह आपको पैदल ही चलना है यहाँ पे क्योंकि भीड़ इतनी है और जगह जगह, मतलब कई जगह ऐसी है जहाँ पर ऑटो रिक्शे को बिल्कुल रोक दिया गया है। तो अभी हम लोग आए हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने। सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए अगर हम श्री राम जी का दर्शन करने जाते हैं। हनुमानगढ़ी पहले एकदम इतनी, मतलब जितनी अभी दिख रही है भीड़ भाड़, इसका कुछ भी नहीं था, इसका सिर्फ 20% होता था, लेकिन अब इतनी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था हो गई है और साथ में सच में यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे राम जी दोबारा से अयोध्या में आ गए हैं। और हनुमानगढ़ी में बहुत बढ़िया वाली भीड़ थी, इतनी अच्छी भीड़ थी कि ऊपर, क्योंकि मंदिर बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा ऊपर का मंदिर नहीं है, तो जहाँ 200 लोग वहाँ ऊपर जा रहे थे फिर नीचे की भीड़ को रोक दिया जा रहा था जिससे कि ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो। और दैट आई लाइक इट कि थोड़ा टाइम लगे लेकिन अच्छे से सबको दर्शन मिला। ये है श्री राम मंदिर का कॉरिडोर। और पिछली बार जब हम अयोध्या आए थे राम मंदिर बनने के बाद तो VIP दर्शन मिल गया था, लेकिन इस बार नॉर्मली आए हैं और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो काबिले तारीफ है। हर जगह साफ सफाई है और हर जगह अगर कोई थक गया हो चलते चलते तो उसके बैठने की पूरी व्यवस्था है। राम मंदिर का एंट्रेंस है, गर्मी बहुत है तो यहाँ पे पानी मिल रहा है। कैसा लगा तुम्हें राम मंदिर आ गए? बहुत 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 ही अच्छा। मतलब राम जी इतने सुंदर लग रहे हैं कि क्या बोले। मेरे तो सेकंड टाइम विजिट है, पहली बार तो VIP दर्शन किए थे लेकिन आज नॉर्मल किए और वो भी काफी अच्छा लगा। मतलब मैनेजमेंट 1 नंबर है, बहुत सही मैनेजमेंट है, तो दर्शन हमारा अच्छे से हो गया। ये सरयू घाट है और यहाँ पे शाम में 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में आरती होती है। यहाँ की आरती भी हम एक बार देखें, आज तो नहीं देख पाएंगे लेकिन बहुत अच्छी होती है। इस तरह हमारा अयोध्या में ये दिन पूरा हुआ। नाउ दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ बर्थडे। तो अभी हम जा रहे हैं ऑर्फनेज और ये सारी चीज़ें सामान लाए हम बच्चों के लिए। और यहाँ तो देख के मतलब इतना दुख होता है, बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं और ऐसी ऐसी बीमारियाँ हैं, लेकिन उसमें भी ये बच्चे खुश रहते हैं और जो इनकी देखभाल करता है वो तो सच में भगवान है। बहुत अच्छे से यहाँ सिस्टर्स हैं जो इन बच्चों की केयर करती हैं। तो जो भी, मतलब जिसको भी बोलते हैं एम्पैथी बोलते हैं, काइंडनेस बोलते हैं, अगर सीखना है तो ऐसे लोगों से सीखो जो विदाउट एनीथिंग दे आर डूइंग देयर सर्विस। कितना फ़र्क है ना, कोई अपने बच्चों को छोड़ देता है, कोई उसी बच्चे को पालता है। इन बच्चों को नमस्ते भी करना आता है और साथ में ये दीदी को डांस करा रही थी। लास्ट 2 ईयर्स से हम यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आके सच में बहुत शांति, बहुत अच्छा लगता है।
फाइनली द डे ऑफ माई बर्थडे हैज़ कम। और आज हनुमान जयंती भी है, तो पहले से हम सोचे थे कि जैसे कि मेरे बर्थडे में पहली बार तो ऐसा कुछ पड़ा है, तो हम पूजा रखवाएंगे घर पे, सुंदरकांड रखवाएंगे। और यहाँ पे पूरी पूजा की तैयारी हो रही है, दीदी यहाँ पे बना रही है चनामृत प्रसाद के लिए, और ये कलश स्थापना हो गई। तो मेरे बर्थडे के दिन आज हनुमान जयंती भी पड़ी है, तो इसलिए हम सोचे थे कि सुंदरकांड कराएंगे, पहले से प्री डिसाइडेड था। तो बाकी पूरा सेटअप तैयार हो गया, पंडित जी भी आ गए हैं, तो अब होने जा रहा है सुंदरकांड स्टार्ट। पंडित जी की जो मंडली आई थी वो सुंदरकांड के बाद मेरे बर्थडे के लिए थोड़ा सा गाना भी गाई। जितने भी आप कौन हैं? आंटी जी, देखिए आंटी जी, तुमसे बहुत सारा प्यार तो भैया है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी लोग मम्मी कहाँ हैं? मम्मी यहाँ पर, खुश है कि नहीं? खुश है कि नहीं? तो खुश है तो बताइए। हाँ कहना है ओ जुग जुग जिया सुला अच्छा लड्डू गोपाल बोले वृंदावन बिहारी लाल की और सच्चे दरबार की। बर्थडे काफी अच्छा सेलिब्रेट हुआ हनुमान जयंती के कारण, जो सुंदरकांड हुआ बहुत अच्छा लगा। प्लस उसके बाद जो मंडली थी जो गाना वाना गाई वो बहुत बढ़िया लगा। मतलब बर्थडे का ऐसा सेलिब्रेशन हो तो मजा आ जाए। और इतना सोचे नहीं थे लेकिन बहुत अच्छा हुआ। तो अभी कल तो हम लोग कहीं नहीं गए थे और क्योंकि बहुत थकान हो गई थी, 9 ऐसे ही बच गया था। तो आज 24 अप्रैल को बर्थडे के एक दिन बाद फिर जा रहे हैं रेस्टोरेंट, हाँ, और फिर वहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और फिर घर आ जाएंगे। लगभग एक घंटे से यहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग में फंसे हुए हैं, ये मालगाड़ी है, दिमाग खराब हो रहा है एकदम, ये ना आगे जा रही है, मतलब एक घंटा हो गया और इतनी ट्रैफिक है, पीछे भी टर्न नहीं हो सकते और टाइम हो रहा है 9:30। रेस्टोरेंट आने के बाद तो हमें पता चला कि ये तो पूरा डेकोरेट है और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और इतनी डेकोरेशन देख के बिल्कुल सरप्राइज हो गया, क्योंकि ये पता नहीं था कि, मतलब हमें तो लगा कि ये डेकोरेशन दूसरे के बर्थडे के लिए, हम चलो एक दो फोटो यहाँ क्लिक करा लेंगे, बट रियली सरप्राइज मिल गया। तो जैसा कि आप लोग को पहले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग का ट्रैफिक भी थे, अभी हम लोग रेस्टोरेंट आ गए हैं और हम लोग आए हैं इस वक्त करीना जो कि बच्ची बोल रही है, और इनको बड़े सरप्राइज मिल गया है, तो इसके लिए बिल्कुल पूरी तैयारी हो गई थी। और अब हमारा केक आने वाला है, बस कुछ देर में केक कटिंग होगी। केक का वेट हो रहा है, मान लिया है अपना सर के पास। हैप्पी बर्थडे। सच में ये एकदम एक्चुअल सरप्राइज था, हमें तो कुछ पता नहीं था, बस हमें लगा था कि जाना है, खाना खाना है और आ जाना है। और ये पार्टी मेरे तरफ से थी मेरे घर वालों को के लिए, क्योंकि हमेशा हर साल हम लोग बर्थडे पे जाते हैं बाहर, लेकिन इस बार नहीं गए तो हम सोचे थे नेक्स्ट डे जाएंगे। केक भी कट गया, इनका बर्थडे भी मन गया, मतलब ये बिल्कुल सरप्राइज था, सरप्राइज ये एकदम, मतलब जाम में फंसे तो हम लोग कोसा के परेशान के बाद लगा कि हर काम कैसे होता है भाई, अच्छे के लिए होता है, अच्छाई के लिए होता है, क्योंकि ये इनको एडवांस पता चला था रेस्टोरेंट वाले को, और ये मतलब थैंकफुली ये कर दिए, सारी चीजें अरेंजमेंट हुई हैं और केक से लेके हमको लगा सब कुछ, हाँ सब कुछ तो काफी बढ़िया रहा। और तो आपने देखा ही है, बहुत अच्छा लगा, तो ओवरऑल बर्थडे बहुत अच्छा रहा। और ये आ गया हम लोग का डिनर। थ्री नाइट्स का स्टाफ इतना ज्यादा केयरिंग है कि प्रेशर रो रही थी और टाइम उन्होंने हैंडल किया है, बच्ची को पूरा सपोर्ट किया है और इस कारण हम लोग अच्छे से खाना खा पाए। ये है यहाँ का स्टाफ और ये भैया हैं जो बहुत अच्छे से उसकी केयर की है, तो थैंक यू सो मच भैया। बाकी यहाँ का टेस्ट भी औसम है, डेकोरेशन भी इतने लेट में भैया को बताया गया तो ये पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी भैया इतना किए और थैंक यू सो मच मेरा डे इतना स्पेशल बनाने के लिए क्योंकि इतना हो गया तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और आज हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। मौसम था और ये छोटे छोटे बच्चे परेशान करने के साथ और चार पांच दिन जितना भी सेलिब्रेशन हुआ तो बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से अपने बर्थडे ब्लॉग को फाइनली आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ईयर पे आई होप
ऐसा ही बर्थडे सेलिब्रेट हो या भी हो सकता है। सही बात है, हमेशा जिस हिसाब से बर्थडे हर साल अच्छा होता है वैसे।